अरशद भाई गले में चेन बेहतरीन कोट काउबॉय कैप चश्मा शेड्स मतलब आप सिंगर हो कि विजय मालिया लग रहे हैं मुझे यकीन करें ऐसा लग रहा है कि कोई यॉट आपने ली हुई है और कोई 25 30 कोई बिकनी भी लड़के आई हुई कर रही है आपके पीछे और जय कर रही है और आप गाना गा रहे हैं कंफर्म कीजिएगा यह हसन जांगिर की एक आंख पत्थर की हां क्योंकि किसी ने मुझे ये बात बताई थी कि हसन जहांगी से किसी ने कोई बहस सहस हुई तो उसने आग निकाल के खींच के मार दी थी ये नहीं मुझे पता <laughs> लेकिन मुझे इतना पता है कि एक उसकी जो है वो, वो, वो ना सबको एक आंख से देखता है शो के दौरान कभी गाना गाते हुए परफॉर्मेंस करते हुए कोई सेटिंग हो गई हो लड़की से है, है? ऐसा से, लड़की लड़की से साइडी लड़की से नंबर लड़की वही डांस करते हुए जीरो थ्री हंड्रेड टू फोर सिक्स थ्री टू वन यू करके इशारो भाई नंबर बता दिया अल्लाह ताला ने खूबसूरती बनाई है तो खूबसूरती की तारीफ तो बनती है सही है तो मैं तारीफ जरूर की है मौजूदा हुकूमतों के आपने बहुत शोज बेशुमार हुआ पेमेंट वगैरह देते थे या ये बस आ, बोलते थे कि भाई हमने बुलाया भाई यही कर डे पेमेंट करते थे ये हमारे बचपन में हम मशहूर हुआ था ये पेमेंट नहीं पेमेंट के पेमेंट के अलावा जितनी पेमेंट होती थी ना उससे पचास गुना ज्यादा इनाम ऐसे जेबों में घुसा होता था वो घुबड़ ऐसे ले महंगी वाली टॉफिया <laughs> अच्छा महंगी वाली टॉफिया क्या अच्छे वाले दूध की बने। <laughs> <laughs> देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा कानों में झुमका तेरे सितारा लगा अस्सलामुअलैकुम मौजूद का मतीनो अदरात में हूँ आदिर अली सारे का मैं पता नहीं सा ये सरगम बहुत मजबूत है और जिसने इसको दिल से गाया वो हमारे अरशद महमूद है हो दिल तो पहले नजर में आहा तुम्हारा हुआ क्या बात है भाई वाह वाह और दिल तो पहले दिन नजर में तुम्हारा हुआ तुम जीवित हुए तुम जीवित हुए और मैं हाजिर हुआ हाय हाय क्या बात है भाई अरशद भाई बात का एहत राम करो शाम का एक पहर मेरे नाम करो हो सके तो मेरा एक काम करो अस्सलाम असलकुम वरहतुल्ल वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को सलाम पहुंचा <laughs> पाक चीन पाक चीन दोस्ती पाक पाक चीन दोस्ती हम छोटे हम छोटे छोटे होते थे अच्छा। ना क्योंकि मेरी पैदा जो है वो रेलवे कॉलोनी में लोको लोकोश्डोड़ी में अच्छा तो वहाँ इंजन के ऊपर डीजल के ऊपर ना दो हाथ बने होते थे ऐसे करके पाक चीन दोस्ती उसको तीनों ने ये क्यों कहा अमरीका में क्योंकि ये अमरीका चले गए <laughs> और ज्यादा टाइम आप अमरीका में होते ही हमारा गिला है आपसे अच्छा आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए अर्षद भाई ना, ना कोई गिला तुम है तुमसे ना कोई शिकायत है आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है आपकी इनायत है भाई क्या बात है भाई क्या बात है, है? जिंदाबाद आपके वो गिले से मुझे याद आया जी कि वो गिले तो होते रहेंगे पहले आप ये बताओ के हाल क्या है आपके हाल आपके सामने है अच्छा सब सबसे पहले तो नाजर में मुझे बहुत खुशी हुई जी. आपका ये सेटअप देख के अलहदिल्ला और अलहमद लाहमद तुम्हें देख के बस थोड़ी सी तुम्हारे अंदर चेंजिंग आई है तुम्हें थोड़े से भर गए हो <laughs> और जब मैं पहले पहले जब लास्ट टाइम तुम्हें देखा था तो आ, बिल्कुल मेरी तरह थे मेरा ख्याल है कोई आठ दस साल तो होगा इस बार इससे ज्यादा हो गया इससे ज्यादा हो गया, हो गया। सही कह रहे। तो आपकी तरक्की को देख के मैं अमेरिका में इंग्लैंड में जहाँ भी होता था आपके प्रोग्राम देखता था और मैं बहुत इन्जॉय करता था और अमूमन मैं रात को आपके प्रोग्राम लगा के बैठ के देखता था अकेले में क्योंकि मैं मेरी एक आदत है कि मैं जब फिल्म भी देखता हूँ तो उस टाइम भी मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे जब मैं कोई अपने पसंद का प्रोग्राम देखता हूँ वो खबरों का प्रोग्राम हो को, को, कोई मजाकरे का प्रोग्राम हो मैं कहता हूँ बीच में कोई बोले नहीं नहीं। होनी चाहिए बंद कर लिया एक्चुअली पता क्या हमारे बाथरूम में दरवाजा है अच्छा हाँ अगर वो कहते हैं ना कि बाथरूम सिंगर है हाँ. तो बाद में पता लगे यार तुम बाथरूम सिंगर हो कहते हैं जी भाई वो हमारे बाथरूम का दरवाजा नहीं है ना अच्छा तो इसलिए अंदर बैठ के गाता था कि बाहर वाले को पता चले कि कोई अंदर बैठा है अर्शद भाई गले में चेन बेहतरीन कोट काउ बॉय कैप <laughs> अपना चश्मा मतलब शेड्स मतलब आप सिंगरों के विजय मालिया लग रहे हैं <laughs> यकीन करें ऐसा लग रहा है कि कोई यॉट आपने ली हुई है और कोई पच्चीस तीस कोई बिकनी भी लड़का कर रही है आपके पीछे और इंजॉय कर रही है और आप गाना गा रहे हैं और कुछ ऐसा माहौल है आप हैं आप हमारे रॉक स्टार है अरे नादिर भाई बहुत आज तक देखे मैं एक बात कहता हूँ मर्द की उम्र उतनी होती है जितनी वो महसूस करता है आप हमेशा से हमने आपको देखा देखे नाइनटीन सेवन से आपने अपना करियर का आगाज किया हाँ से। जी आप दो हजार से जायद आपने गाने जो हमें पता चला है वो गा चुके हैं पड़ोसी मुल्क को छापा मारना पड़ा हाँ <laughs> एक एक गाना जो ना दो, दो तीन तीन दफा हाँ। चार चार दफा लोगों ने गाया है इंडिया के अंदर सही है। वो जो मेरा गाना था देखा जो चेहरा तेरा हो ना हो जाए हो जाए वो मेरी वो मेरी पहचान बना अमजद अमजद बॉबी साहब की कम्पोजिशन और रियाज रहमान सागर साहब का लिखा हुआ की फिल्म घूंघट का गाना है सैयद नूर साहब की तो वो गाना जब इंडिया में पहुंचा तो काफ़ी लोगों ने गाया है कुछ ने उसको सरगम को उल्टा कर दिया जो आपने सरगम कही ना <laughs> कुछ ने रिदम को उल्टा कर दिया किसी ने सरगम को किसी ने कुछ अपने स्टाइल कवाली स्टाइल में गवा दिया और एक कवाल है वहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने गाया मेरा ख्याल उसका नाम है अल्ताफ राजा अल्ताफ राजा उसने गाया तुम तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल सही है बिल्कुल सही ये आप किसी की फरमाइश पे सुना रहे थे किसी को <laughs> नहीं, 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 आपने या, तो एक याद या, किया मेरे अंदर भी एक, या आपका अंदर का जो अंदर का अंदर जो सिंगर है सर अंदर भी एक तवाइफ किराए पे रहती है नहीं नहीं, नहीं 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 वो वो मैं तवाइफ नहीं कहूंगा क्योंकि तवाइफ की भी अपनी एक रिस्पेक्ट है <laughs> क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको भाई क्या अच्छी बात हर एक की रोजी अल्लाह पाक ने अपने हिसाब से लगाई है बहुत अच्छी बात कर दी भाई तबले वाला भी अपने हिसाब की रोजी कमाता है अल्लाह ने सबकी अपने अपने हिसाब मैं सर अर्ज ये कर रहा हूँ मुझे अवाम ने बहुत मारना है बहुत गालियाँ देनी है अगर देखा जो चेहरा तेरा पे बात हो रही है और आप गाए ना हो देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा क्या बात है नहीं वाह देखा जो चेहरा देखा। तेरा मौसम भी प्यारा लगा कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा बीच का क्या है? क्या खेला आगे। देती आगे। है आए, आए। एक मुस्कुराहट तेरी नमे जगा देती है हल्की सी आहट तेरी तेरे लिए मुंतज़र, हर एक नजारा लगा देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा क्या बात है भाई भाई हमारे हिंदुस्तानी दोस्तों हमारे पास मास्टर कॉपी यहाँ बैठी हुई है ये <laughs> बता दू नाराज नहीं हो ना हमारे पास हमारे यहाँ कुमार सानू बैठा हुआ है ये बता दू अच्छा मुझे ये बताएं अर्शद भाई कि अल्लाह आपका भला करे ये एक अच्छा हिट गाना उसकी कंपोजिशन क्या पहले आपको पता चल जाती है कि यार ये बहुत हिट होगा लिरिक्स से शायरी से कंपोजिशन से या बाद में एक लॉटरी है बाद में पता चलता है अरे ये तो लोगों को बहुत पसंद आ गया हाँ बिल्कुल आपने सही कहा हमें नहीं पता चलता हम ये समझते हैं जैसे फिल्म दुपट्टा जल रहा है सही उसमें मेरे दो गाने थे तो एक गाना तो दो गाने जब गाए हमने तो सब लोग ये कहने लगे भाभी रुखसाना भी कहने लगी नूर साहब की वाइफ कहने लगी अर्शद भाई ये गाना आपका हिट होगा बहुत खूबसूरत आप आपने गाया देखा जी नो सा? ये तो फिल्म घोंगट है घूंगट का सॉरी मैं उसकी दूसरी फिल्म की बात कर रहा हूँ तो उसमें मैं बताता हूँ आपको कौन, कौन सा वो भाभी रुखसाना ने लिखा था गाना और एम अरशद साहब की कंपोजिशन है तो बड़ा खूबसूरत गाना तो मैं हम भी यही सोच रहे थे कि गाना हिट होगा लेकिन गाना पसंद किया गया ले हिट जो है ना वो हो गया हो सके तो मेरा एक काम करो शाम का एक पहर मेरे नाम करो और ये गाना था दीवान दीवान, दीवान से शायर तो है शायरी से ओ मेरी जाना मैं पहचाना तेरी आशिकी से ओ क्या बात। तेरी से वाह इस गाने का आइडिया जो है ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त बहुत ही हमारे ख़ूबसूरत म्यूज़िक डायरेक्टर और बहुत बड़ा घराना जहरी ख़ान साहब का घराना अच्छा। और उनके उनके जो साहबजादे हैं जाहिद हुसैन जो बेस बजाते हैं सही। जाहिद भाई उनका ये आइडिया था उन्होंने ये अस्थाई और इसकी जो अस्थाई के जो बोल और जो अस्थाई की कम्पोजिशन थी ये उनका आइडिया था तो ये मैंने वहां उनको सुनाया तो उन्होंने कहा कि इसको दे तो मैंने जाहिद भाई से कहा और देखा जो चेहरा तेरा भी इसी क्यू में था नहीं वो था फिल्म घूंघट में वो अमजद जब बॉबी साहब की थे शाम का एक सफर हो सके तो मेरा काम हो सके तो मेरा काम वो इस फिल्म में वो इस फिल्म में था वो इस फिल्म में था आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये गाना हिट होगा लेकिन यार एक बात है क्यों नहीं कर रहे थे मतलब अभी हम सुन रहे हैं हमारे कानों को इतना अच्छा लग रहा है क्या उस वक्त जब ये रिलीज नहीं हुआ था हाँ। क्या सराउंडिंग में लोगों के कानों को अच्छा नहीं लग रहा था ये एक्चुअली होता क्या है कि हम ऑडियंस को जो है ना लिस्नर का अपना स्टाइल होता है अब लिस्नर तो आतिफ असलम को भी सुनता है ठीक है और लिस्नर जो है वो और भी जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं उनको भी सुनता है सही है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं नहीं सुन सकता ठीक है मुझसे बर्दाश्त नहीं है बर्दाश्त है क्योंकि मैं शायद हो सकता है कि मुझे इतनी समझ नहीं है इसलिए मुझे वो बर्दाश्त नहीं।, नहीं।, नहीं है कहते ना कि जितना मतलब जो जिनको गाना नहीं आता वो अस्पताल बना रहे हैं और जितना अच्छा गाने वाले हैं वो उसमें एडमिट है

वो ट्यूनर ट्यून लगा के पता नहीं, नहीं क्या क्या ट्यूनर था? लगाते हैं जी 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 ट्यूनर लगाते हैं आपने अगर बेसुरा गाया ना तो वो उसको सुर में करते या <laughs> हैं चीज़ें आ गई है और हमारा दौर क्या था सेवनटी नाइन में जब मैं आया तो उस वक्त मैंने पहला प्रोग्राम मैंने किया विंझार सिंधी का मेरा स्टार्ट सिंधी से सही वंझार प्रोग्राम जो आज परख के नाम से चलता है आज भी चल रहा है पाकिस्तान टेलीविजन पे परख के नाम से उस वक्त उसका नाम था विंझार वो मैंने गाया था उसके अंदर सारे म्यूजिशन जो ना लाइव बजा रहे होते थे और लाइव मैंने गाया था उसके अंदर सही है और फिर उसके बाद जब रिकॉर्डिंग हुआ करती थी तो उसमें भी पच्चीस तीस म्यूजिशन जो हैं उसमें तकरीबन आठ से दस तो वायलिन वाले होते थे फिर एक चैलो होता था एक स्पेनिश फिर एक बेस दो दो कीबोर्ड बड़ा लंबा चौड़ा और कैस्ट्रा होता था तो हम पाँच दिन तो रिहर्सल करते थे पहले वहाँ पाकिस्तान टेलीविज़न पे पाँच दिन रिहर्सल करते थे उसके बाद गाना होता था और गाना जब होता था तो दो लोग सामने बैठे होते थे रिकॉर्डिंग रूम के अंदर एक शायर और एक म्यूज़िक डायरेक्टर शायर ये देखता था कि जेर ज़बर कहीं पेश गलत तो नहीं लगा रहा सिंगर गाने में और म्यूज़िक डायरेक्टर ये देखता था कहीं ये गलत तो नहीं गा रहा सुर से उतरा हुआ तो नहीं गा रहा अगर कहीं पूरा गाना हम बहुत अच्छा गा गए वाइंड अप के स्थाई में कहीं कच्चा सुर लग गया तो उन्होंने कहा दोबारा फिर शुरू से ऐसा नहीं है कि वो एक लफ्ज ही पंच कर लें। आज तो छोटे छोटे लफ्ज पंच हो जाते हैं आपके दौर में मतलब आपके कुलीग्स आलमगीर साहब ये मेरे था? ये मेरे सीनियर आलमगीर साहब सीनियर आलमगीर अली शेखी साहब। ये दोनों मेरे सीनियर दोनों सीनियर दोनों है। सीनियर।, है। सीनियर फिर अल्लाह आपका भला करे आप हो गए

थोड़ी देर के बाद जब खत्म हुआ तो वो, तो वो थे थे थे। तो उस उस इफ्राहिम भाई जो है ना इफ्राहिम भाई जी जी वो हिट थे उनके नेशनल सॉन्ग हिट थे इफ्राहिम भाई के इफ्राहिम भाई मेरे को नाम याद आ रहा है कुछ जरा गुनगुनाइएगा अच्छा वो उनके बड़े हिट गाने एक तो ये है कि से से बिल्कुल बिल्कुल आ बिल्कुल आ करे आए, हाँ, हाँ, आ गया। आ गए 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 तो हाय हाय अब जाहिर उनका स्टाइल था मोहम्मद का अच्छा और वो मोहम्मद रफी साहब के शागिर्दों में से भी हैं है लोग कलाकन रखते हैं हार पर आते हैं दुआ हो रही है सूट भी देते हैं नजर न्याज भी करते हैं मेरे मेरे तीन ऐसे उस्ताद हैं अच्छा तीन उस्ताद हैं पहले मोहतरम जनाब निसार बजमी साहब ठीक है उनके पास मुझे अजहर भाई लेके गए थे अजहर हुसैन म्यूजिक डायरेक्टर हैं ठीक है वो मेरे बहुत प्यारे दोस्तों में से हैं बड़े भाइयों की तरह वो मुझे लेके गए मैंने उनसे ही कहा था सही कि है कि मुझे बज़मी साहब का शागिदा सही है फिर दूसरे मेरे उस्ताद जिनसे गंडाबाद में बता रहा हूँ आप जी 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 दूसरे मुजाहिद हुसैन खान साहब तीसरे तीसरे फानी साहब अच्छा। फानी साहब ये एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है बहुत मशहूर और हर साल उनको अवार्ड मिला करता था हाशमी साहब की वहाँ पे ये काम करते थे मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि फिर आपका जो करंट अफेयर का जो जो डायरेक्टर है वो मुझे पकड़ेगा कि आपने फ्री में आ, मार्केटिंग कर, कर दी मार्केटिंग कर दी अच्छा। तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन हाशमी साहब का नाम ले रहा हूँ तो वो हाशमी साहब के नाम से बड़ी मशहूर थी तो तीन मुझे मेरे ऐसे उत्ताद हैं जो बांध है लेकिन नादिर साहब मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ मैंने जिन जिन म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ आ, काम किया जिन जिन के कंपोजिशन में मैंने गाया वो सब मेरे उतने ही मोहतरम हैं जितने मेरे गंडा बाँधा है सबको मैं वही रिस्पेक्ट देता हूँ वही इज्जत देता हूँ और मैं आज भी अपना कोई भी गाना जब रिकॉर्ड करवाता हूँ तो अपना पहला गाना समझ के गाता हूँ क्या भा? ताकि जितना कि जो मेहनत मैं पहली दफ़ा की थी वो वही मेहनत मैं आज भी उसी तरह से करता हूँ प्रॉपर म्यूज़िक डायरेक्टर को टाइम देता हूँ प्रॉपर रिहर्सल करता हूँ प्रॉपर उसको मैं दिल के दिल से गाता हूँ अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर का क्या काम होता है म्यूज़िक डायरेक्टर का बहुत बड़ा काम होता है हाँ मुझे बताएं मुझे पता है लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या काम होता है म्यूज़िक देखिए मैं जब बॉबी साहब के साथ मेरी किस्मत मैं बड़ा अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैं जब पहली मरतबा एटी सेवन में सैद नूर साहब मुझे लेके गए एज ए प्ले बैक सिंगर लाहौर में तो मुझे ए बैच के साथ काम करने का मौका मिला तो मैंने ज़्यादातर काम जो किया ए बैज के साथ किया ए बैज के म्यूज़िशन जो है वो आउटस्टैंडिंग होते थे जिसमें ताफो साहब हो गए जिसमें भाग साहब हो गए जिसमें आपका बड़े बड़े जनरी जो म्यूजिशन वो ए बैच में होते थे आ, पासलीम हो गए पासलीम मतलब पाचीमा जो वायलन की जो नोटेशन करते थे तो आ, वो क्या करते थे कि पूरा म्यूज़िक बनाते थे हारमोनियम लेके ना और साथ सामने वो वायलिन के साथ वो नोटेशन बैठ के बनाए होते थे हर चीज़ को अगर गिटार स्पेनिश को स्पेनिश का क्या पीस बनाना है तो वो म्यूजिक डायरेक्टर बनाएगा और उनको लिखवा देगा तो ये दो चार दिन लगा के पूरा गाना म्यूजिक डायरेक्टर जो है ना पहले कंपोज करता था कंपोज मतलब है उसकी नोटेशन करता था फिर हर म्यूजिशियन के सामने जो है एक एक कार्ड जो है वो लगा होता था जो जो उसने बजाना है अपनी बारी पर उसने बजाना है तो बड़ा मुश्किल काम है म्यूज़िक डायरेक्टर का एक म्यूजिक डायरेक्टर का तो गाना म्यूजिक डायरेक्टर का होता है गाना म्यूजिक डायरेक्टर का होता है सिंगर का नहीं है नहीं सिंगर का, का से हो गया सिंगर ने सिंगर तो उसका बेटा है म्यूजिक 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 डायरेक्टर 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 ने ने अपना उसके बेटा, उसके से हिट हुआ। ने अपना बेटा बेटा हिट हुआ दिया आपको ठीक है ना कि ये लो भाई ये ये आपका बेटा है क्योंकि मुझे इसलिए पता कि जब मैंने पहला गाना ये मेरा हिट हुआ देखा जो चेहरा तेरा तो जब ये रिकॉर्ड करवाया ना वोकल किया तो स्टूडियो में बैठे हुए थे ज्यादा लोग नहीं थे फारूक राय फारूक राय साहब के स्टूडियो में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था और उन्हीं के स्टूडियो में सारे गाने हुए थे सही है मैं इस फिल्म का सिर्फ़ एक ही गाना गाया था घूगट का मुझसे पहले सारे गाने रिकॉर्ड हो चुके थे वो एक ही हज़ार वो एक ही है। गाना जो है ना और वहाँ सागर साहब बैठे थे और अमजद बॉबी साहब बैठे थे और जब ये गाना वोकल हुआ है मैं जब बाहर निकला हूँ तो मुझे उन्होंने जप्फ़ी पा मिली और मिले हैं और मुझे बॉबी साहब ने कहा जाओ अरशद मियाँ आपको एक बेटा दे दिया और और ये आपको कमा के खिलाएगा। वाह वाह वाह। आप यकीन करेंसी तो है। है? है? आज भी, भी चल रहा है भी भी दो गाने मेरे ऐसे है और वाकई ये दो मेरे बेटे हैं जैसा मेरा बेटा दानियाल है ना तो इसी तरह मेरे ये दो गाने जो है ना मेरे बेटे है एक देखा जो चेहरा तेरा और एक हो सके तो दानियाल हमारा भी बेटा है वो ऑडियो इंजीनियर है तो मेरा हाँ, बेटा है है हमारा भी लेकिन मेरा बेटा आपको दे रहा हूं, मैं। अच्छा एक काम नहीं कर रहा आप ले कोशिश अल्लाह ताला उसको सलामत अच्छा एक बेटा आपका हो गया देखा जो चेहरा तेरा एक हो गया हो सके तो मेरा एक एक काम हो सके तो मेरा एक काम करो बाकी क्या नकारा दे बाकी जो है ना वो अपने अपने हिसाब से काम पे नहीं आया ज्यादा लोग अपने काम कमाके नहीं दे रहे तुम लोग तुम लोग ये दो बंदों के ऊपर दो लोग खिला रहे अच्छा, रहे अच्छा ये कर रहे ए, एक एक दो गाने और हैं जो वो बेचारे ज्यादा नहीं कमा के दिया उन्होंने जी जी लेकिन जी। कमा के दिया और वो खातिन में बहुत ज्यादा हिट है गाना अच्छा वो गाना है कि आंखें कहती है मेरी हुसन यूसुफ की कसम हाँ आंखें कहती है मेरी हुसन यूसुफ की कसम सारी दुनिया में नहीं कोई हसी तो ससनम दिल वाह अः दिल रबा नहीं है कोई दूसरा नहीं है कोई दूसरा बा खुदा बा खुदा बा खुदा बा खुदा ये गाना मोहन भाई को बहुत ज़्यादा पसंद था इसकी मैं वजह बताऊँ मोइन अख्तर साहब मोइन अख्तर साहब को और जब उनकी डेथ हुई है तो मैं उसके बाद ये गाना जो है ना मैंने मोइन भाई की नज़र कर दिया उनके नाम कर दिया मैं जहाँ भी गाना गाता हूँ जब भी मैं गुनगुनाता हूँ तो मैं मोहन भाई को ही डेडिकेट करता हूँ और मोइन भाई के नाम ही हुआ और जब मैं गाकर आया था अभी मार्केट में नहीं आया था मैं इतना बड़ा इत, एक, एक मैक्सिल का कैसेट था उसके अंदर ये गाना मैं लाहौर से ना ऐसे ही मैंने उसको कहा यार सुनने के लिए दे दो तो नया नया मोटरवे बना था इस्लामाबाद का जी तो हम लोग मुशरफ साहब का शो करने के लिए जा रहे थे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ ये मुशरफ साहब या मौजूदा हुकूमतों के आपने बहुत शोज किया बेशुमार, है। बेशुमार। तो पेमेंट वगैरह देते थे या ये बस बोलते थे कि भाई हमने बुलाया यही करते नहीं नहीं देते थे बहुत बहुत अच्छी पेमेंट करते थे और उससे कहीं ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे सही मैंने जिस 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 सरबरा के साथ भी काम किया और मेरे मेरे साथ तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है मैंने तो मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा के सामने ऐसे बैठ के हमने उनके वो तराने लिखे और मेरे बहुत सारे गा जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे हिट हैं या अल्लाह या रसूल बे नज़ीर बेकसूर ये भी मैंने गाया था दम दम अली अली पी पी गली गली ये भी मैंने गाया था मतलब बहुत सारे मेरे एल्बम हैं क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ मैं सबका काम करता हूँ बिल्कुल फिर मैंने फिर मैंने अलताफ भाई का काम आया था अलताफ भाई अलताप तो भाई का तो, तो आपका मैंने एक वीडियो भी यूट्यूब पे देखी थी हाँ। वो एक लंदन में लंदन में प्रोग्राम हो रहा था जी जी जी। मैं उस वक्त अमेरिका में था तो मुझे वहां से बुलाया था और अलताफ भाई बहुत खुश हो रहे थे भाई वो झंडे वनडे और ये बहुत इंजॉय कर रहे थे वो स्टोरी ये थी कि उनको जानते हो कि आप एजाज बॉस को ठीक है एजाज बॉस हाउंड वाले जिनका सारा साउंड का जितना भी सिस्टम होता था ना नाइन जीरो पे वो वही लगाते थे पचास सेट लगे या साठ सेट लगे सही साठ पेयर लगे सही इतने तो पेयर लगते थे वहाँ पे जब इनका प्रोग्राम होता था ना लाख लाख से ऊपर का क्राउड होता था जी, जी जी तो मैं लंदन से भी आया हूँ यहाँ गाने के लिए सिर्फ तीन दिन के लिए मतलब तीन से चार दिन के लिए मुझे भेजा की जाओ पेमेंट करते थे पेमेंट करते थे ये हमारे बचपन में हम मशहूर हुआ था ये पेमेंट नहीं 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 पेमेंट के पेमेंट के अलावा जितनी पेमेंट होती थी ना उससे उससे पचास गुना ज्यादा इनाम ऐसे जेबों में घुसा होता था हां वो घुवेड़ ऐसे लेत पकड़े टॉफियां वहां डाल दे टॉफियां नहीं महंगी वाली टॉफियां <laughs> अच्छा, महंगी वाली टॉफियां <laughs> क्या अच्छे वाले दूध की बनी बाबा <laughs>

वो जैसे डेट से पहले जो है ना वो मुझे बता देता कहते भाई वो इतना बना है ये ये मैंने कहा ठीक है उसको ट्रांसफर कर देते हैं पैसे वो जमा करा देता है वो फाइल भिजवा देता है हमारे मेरा आज तक क्योंकि देखो इस मुल्क में हम रह रहे हैं तो इस मुल्क से इतना कुछ लिया हमने इसको देना भी तो चाहिए बेशक ना? बेशक सही आप ना? ये ना सोचो कि इस मुल्क ने आपको क्या दिया सही आप ये सोचो कि आपने इस मुल्क को क्या दिया है बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बेशक ये बात जॉन ऑफ कैनेडी की है लेकिन जो बात अच्छी बात है वो आप करनी चाहिए वो बात दुनिया को पता चलनी चाहिए कि अपने मुल्क से जो बंदा अपने मुल्क से प्यार नहीं कर सकता जो अपनी माँ से प्यार नहीं कर सकता अच्छा वो अभी आप ऑफ द कैमरा मुझे बता रहे थे कि वो आप लहरी साहब मोइन अख्तर साहब मलिक अनोखा साहब बस में कहीं जा रहे थे हाँ और कोई वाक्य हो गया था वो वाक़ था हाँ हो गया हो गया हाँ बस देखिए जहाँ लड़के लड़के बैठे होते हैं वा, वहाँ वाकयात तो हो जाते हैं अच्छा लेकिन कुछ वाकयात ऐसे होते सार, मैं मैं तीस साल पुरानी जब हा बहुत छोटे थे मैं तीस साल पुरानी बात कर रहा हूँ मोहिम भाई ने कहा कि भाई वो जाना है शो पे एक शो सखर किया एक मुल्तान किया और लाहौर किया टूर जी जी खान हाँ पाँच छह शो थे जी जी तो ये आपने बाटा रेट पे पकड़ लिए होंगे नहीं मैंने नहीं बाटा रेट पकड़े मोइन भाई मोइन भाई जो है ना उन्होंने उन्होंने शो पकड़े हुए थे उन्होंने कहा यार बाय रोड चलेंगे मैंने बाय रोड उनके साथ इंग्लैंड से यूरोप का भी टूर किया जी जी और यूरोप का टूर ही बाय रोड में जितना मजा जितना मजा मोइन भाई के टूर में आया या उमर भाई के टूर में आया मैं आपको बयान नहीं कर सकता अच्छा मेरा, पहला, ना मेरा पह, कर दे। पहला टूर मेरा आ, उमर भाई के साथ सही है। आ, अमरीका उमर शरीफ साहब के साथ वो जितने अच्छे आ, मतलब आर्टिस्ट है ना उतने ही अच्छे मेरे साथ इंसान थे मुझसे बहुत प्यार करते थे क्या वजह है ये अल्लाह की मेहरबानी हो सकती है हम सफर पे जब और मुझे कहीं भी सीट होती थी, थी मुझे बुला के अपने साथ बिठा लेते पता ही नहीं चलता था सफरत अच्छा, के भी थे मुझे बहुत उमर भाई के बहुत किसी को छेड़ दिया किसी कोईस्टर प्रैंक्स कर देना कोई ऐसी तबियत कोई वाक्य बताए ना वो मुझे बता नहीं सकता ऑन कैमरा वो किसी मैं बता रहा हूँ की भी कोई मैं बता रहा हूँ उमर भाई उमर भाई और मोहित भाई चेजे बहुत लेते थे सुनना मजे की बात बता रहा हूँ अब एक कैसे टूर जा रहा है ये 92 की बात है 92 की बात है उसमें भैया देखें कोई सुन रहा है हाँ, उसको माइंड ना करे क्योंकि एक एक मजाक है जी, और बात है। हो रही है बात हो रही है अच्छा उसमें रूफी भी था कॉटन नहीं बस रूफी था रूफी रूफी था ये उसमें उस्मा बेग भी थी इनके अब्बा भी थे अच्छा मुझे पता ही नहीं याद आ है फिर फिर पहले जो है ना पी का जहाज जो है वो फ्रैंकफर्ट रुकता था अच्छा, अमरीका जाते हुए ठीक है उसके बाद न्यूयॉर्क या शिकागो हम शिकागो जाते थे उनका प्रोग्राम था अपना इदरीस भाई का इधरिस खान जिनको इदरीस चाचा भी कहते थे सही है। पाकिस्तान से जितने भी शो लेके गए ना इदरीस चाचा ही लेके गए अब तो खैर बेशुमार ऑर्गेनाइजर हो गए लेकिन जो शो वो जो शो उन्होंने कर दिए ना मैडम नूर जान से लेके नदीम साहब हो गए मोहम्मद अली साहब हो गए और दुनिया भर के जो आगे अपने टाइम के किंग थे बेशक इसमें कोई सही अब फ्रैंकफर्ट से ना अब सारे रास्ते ना जहाज के अंदर ही मस्तियां करते रूफी मस्तियां करता है तो उमर भाई इसको कहते पढ़ जाओ अब वो जाके उसे दो चार जो जुमले शुमले होते थे तो उनके अब्बा नाराज होते थे <coughs> मरहूम अल्लाह उनको जन्नत में जगा दे उसमें भेज के अब्बा अच्छा। <coughs> कोई, कोई तनुकी नहीं वाली क्या बदतमीजिया ना कर बकरी दी आवाज वाले अच्छा उसको डांटते थे गुस्से के अंदर नहीं को हां एक दिन क्या हुआ अच्छा वहां से जब निकले तो उमर भाई ने क्या किया अच्छा उन रूफ़ी को नहीं पता था कि पीछे उजमा बे के अब्बा भी आ रहे हैं अच्छा तो उमर भाई ने ऐसे हाथ रख लिया रूफ़ी के कंधे पे और एयरपोर्ट पे ही अभी जा रहे हैं यार रूफ़ी वो जरा उसकी आवाज़ तो सुना वो कैसे बोलता है

अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे गुस्से के अंदर आए और आके ना उमर के कमरे में बैठ उमर शरीफ के कमरे में रूफ़ी बैठा हुआ।, 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 हुआ था चचा बैठे वहाँ कैसे हाथ मार के ना उन्होंने दरवाज़ा खोलाया और वहाँ आके उनके साथ झगड़ा हुआ झगड़ा हुआ झगड़ा हुआ लिटरली झगड़ा हुआ था लेकिन अल्लाह तला बस सबको अपने हिफ़ों में ये छोटे मोटे चीज़ें अगर ना हो नाजर अगर ये चीज़ें ना हो न तो बंदा एक दूसरे को मारने को ना। करना। वो जो बस वाली बात कर रहे थे ना हम लोग जो बस पे गए थे तो उसके अंदर हसन जहांगीर भी था और सलीम जावेद भी अच्छा एक बात मुझे सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ ये कंफर्म कीजिएगा ये हसन जहांगीर की एक पत्थर की हाँ ये बात ठीक है उसको क्योंकि किसी ने मुझे ये बात बताई थी कि हसन जहांगीर से किसी ने कोई बहस सहस हुई तो उसने आग निकाल के खींच के मार दी थी ये नहीं मुझे पता <laughs> लेकिन मुझे इतना पता है कि एक आँख उसकी जो ना पत्थर से पत्थर की है वो है वो, वो ना सबको एक आंख से देखता है <laughs> अच्छा, अच्छा।, अच्छा। भाई जिंदा होते ना तो यकीन करो तुम्हारे साथ रहे जिस, जिस करे। के आप भी चेजे लेते जी, जी, हो ना तो ये चेजे की वजह से ना खुशी की वजह से तुम भी ये गालें जो आपकी लाल लाल हो रही है ना ये उसी की वजह से हो रही है या शर्ट का तो कोई सीन नहीं है मैं वो बस की आपको बात बता रहा होता है अब वहां पे ना मोहन भाई ने जग उठाया और सलीम जावेद को कह लेंगे सलीम मैं पानी डाल दूंगा तुम्हारे पे अच्छा कह लेंगे उमहन भाई देखे सफर पे है देखे ठंड भी हो रही बाहर पर ये ना बारे अब सलीम का जो स्टाइल है नहीं ये ना करे आप देखें मोहिंद भाई डाल दूंगा मैं बता रहा हूँ डाल दूंगा कह रहे अच्छा ठीक है डाले फिर मैं भी डाल दूंगा अच्छा बेटा तू भी डालेगा उमर भाई अच्छा चाह भाई ने पानी डाल दिया सलीम जावेद के अब सलीम जावेक ने ऐसे बड़े बड़े बाल थे उसने ऐसे झटके बाल कह रहे मोइन भाई अब मैं बता रहा हूँ आपको कसम खुदा की अब जो है ना आपने अब नहीं कीजिएगा ये देखे जग पाने का कसम खुदा की मोइन भाई मैं डाल दूंगा डाल दूंगा पेड़ पट्टा शुरू हाँ कहेंगे डाल डाल दे डाल कह रहे हो भाई मैं कसम खुदा कह रहा हूँ मैं सीधे से डाल दूंगा आपको अल्लाह की कसम में डाल दूंगा डाल फिर देख मैं क्या करता हूं तो ये उठा और सारा मोहन भाई के डाल दिया डाल दिया वो भैया फिर जो हुआ सब ऐसे सन्नाटे हो गए हो गए ऐसे झटका लिया तो मोइन भाई बिल्कुल संजीदा हो गए अब मोहन भाई बिल्कुल दिलीप कुमार बने हुए हैं <laughs> बिल्कुल संजीदा और सारे बस के अंदर सारा लाफ्टर वाटर सब कह रहे हैं उसको सलीम हुआ अबे यार क्या हो रहा यार इतने बड़े आर्टिस्ट सीनियर आर्टिस्ट यार, देखो मेरे पे पानी फेंका तो फिर मैं भी फेंकूंगा ना फिर ये। ये। <laughs> तो बहरहाल इस तरह का एक और किस्सा भी वो मैं नहीं सुना सकता अच्छा। वो हसन जहांगीर के साथ हुआ था <laughs> लाला, <मर्हु। laughs> लाला अच्छा, मैंने जिन को पता है ना वो किस्सा वैसे इंजॉय कर लेंगे लाला ड्रमर और नासिर गिटार वाला सही है और हसन ये साथ साथ बैठे ये खिड़की खिड़की के पास बैठा हुआ Uh, अपना नासिर वाला इधर साथ वाले सीट पे बैठा हुआ हसन जहांगीर इधर से लाला गुजर रहा अब ला, लाला <laughs> के साथ किसी ने कहा करना है तो उसको कहा ये कर दो वो कर दो वो मरहूम अल्लाह उसके जन्म में जगह तो वो यहाँ से आ रहा है तो नासिर ने क्या किया ऐसे हाथ करके ना तो उसको पीछे से ऐसे करके मार दिया हाँ। बस वहां पे उसने समझा हसन ने अच्छा उसने हसन को पकड़ लिया <laughs> बाकी बातें बाद में बताऊंगा <laughs> अरशद भाई क्या बात है भाई अरशद भाई शो के दौरान अपनी गाना गाते हुए परफॉर्मेंस करते हुए कोई सेटिंग हुई हो लड़की से है कोई ऐसा वाकया क्या कोई लड़की लड़की से सेटिंग लड़की से नंबर लड़की वही डांस करते हुए जीरो थ्री हंड्रेड करके इशारों में नंबर बता दिया वही लिख लिया आपने कोई ऐसा वाक्य नहीं नहीं भाई बाकी नहीं तो आप जब गाते थे तो क्या क्या मतलब है क्या, ग्लैमर तो होगा ना यार लड़कियां और चीख रही हैं और शाउट कर रही हैं तो उस पर मतलब ऐसा कैसे नहीं होता करती के? थी करती थी बहुत ज्यादा करती हा। थी हाँ कोई सेटिंग नहीं हुई आप ये कह रहे हैं नहीं, नहीं।, नहीं ना ना सेटिंग नहीं कोई क्योंकि मैं जो है ना जहां पे मैं गया हूँ अगर कोई सामने बैठे हुए खूबसूरत लोग बैठे हुए खूबसूरत तो ऑडियंस की तारीफ तो करना एक अलग है ना जब अल्लाह ताला ने खूबसूरती बनाई है तो खूबसूरती की तारीफ तो बनती है सही है तो मैं तारीफ जरूर की है कि खूबसूरत खूबसूरत लोग बैठे हुए तो यहाँ से नहीं नहीं बिल्कुल और जितनी देर मैं वहां पे गा रहा हूँ ना जितनी देर वहां पे रहा हूँ जो बातें मैंने वहां की वहीं खत्म करके फिर मैं निकल गया हूँ

फटा तो है? मैं नहीं करता हूँ अच्छा मैं, मैं फिर यही सोचता हूँ कि शायद हो सकता है कि मेरे नसीब में ऐसा था सही है और वो मैं बात आज तक नहीं भूल सकता हाँ आज तक नहीं भूल सकता मुझे उस बात का दुख भी बहुत है बात इस दुख इस बात का नहीं है कि मुझे मेरी पेमेंट रुक गई कि पेमेंट खा के चले गए दुख इस बात का है कि परदेश के अंदर आपने मेरे साथ ऐसा किया वाशिंगटन डी के अंदर मेरा प्रोग्राम था तो डॉक्टर्स का शो था तो मैंने शो किया बहुत अच्छा शो किया उसमें मुझे याद है वीना मलिक जो है वो कंपेयरिंग कर रही थी उस वक्त उसके हस्बैंड भी थे और छोटा सा उसका बेबी था तो वो कंपेयरिंग कर रही थी मेरी इंट्री इन दोनों ने भी गाया उसके हस्बैंड ने इसने भी तो उसके बाद मेरी एंट्री थी मैंने प्रॉपर एंट्री दी जिसको कहा जाता है मैं अपने काम के साथ जो है ना बददियानती नहीं करता सही है क्योंकि अगर मैं बददियानती करूंगा अपने काम के साथ तो मैं समझता तो हूँ कि मैं हराम खा रहा हूँ और सारी ज़िंदगी मैंने मैं एक एक गवर्नमेंट अफसर रहा हूँ मैं चालीस साल मैंने एक इदारे में काम किया मैंने वहाँ भी जिंदगी में कभी एक रुपये की रिश्वत नहीं खाई थी सही है। मैंने कहा नहीं जो मेरे नसीब में मेरे मौला अली पंचन पाक अल्लाह पाक मुझे दे रहा है तो मैं इधर से क्यों मैं तिकम बाजिया करूँ एंट्री की मैंने तो मुझे कहने लगे कहने लगे अक्षत भाई वो ये गाड़ी आपकी रेडी है तो आप होटल पहुंचिए हम लोग आ रहे हैं तो फिर हम आपको पिक करते हैं आपकी पेमेंट भी वहाँ करते हैं और बाहर निकलते हैं कहीं खाने पे चलते हैं अब इतना एक अच्छा मतलब है, प्रोफेशन है दिया उन्होंने हाँ एक अच्छा हाँ, प्रोफेशन है डॉक्टर हाँ। डॉक्टर अगर इस तरह से करेंगे तो आप क्या सोचेंगे तो मैंने उनसे कहा मैट कहा ठीक है तो कोई भी हो सकता है डॉक्टर भी हो लेकिन सकता मैं, हो मैं लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में ना मैंने अपने वाले को कभी तिगड़बाजी करते देखा ना मैंने कभी अपने जो करीबी मेरे दोस्त हैं ना मैंने कभी उनको देखा तो मुझे नहीं पता मैं चला गया होटल तो वहाँ होटल का जो मैनेजर था ना वो इंडियन था सही है वो उसने मेरे गाने सुने हुए थे तो वो भी मेरा फैन था तो उसने मुझे कहा था पंजाबी था वो उसने मुझे कहा कहना कहा कि भाजी राधी रोटी तो मेरे ना खानी हैगी Hmm. मैं क्या यार साढ़ा प्रमोटर आ रहा तो वेद ना बहार जा के कि खा खाँगे तो कहते नहीं 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 फिर तुम्हें मेरे ना ब्रेकफास्ट जरूर करना मैं क्या अच्छा ठीक है अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आधा घंटा एक घंटा मैंने फ़ोन किया वो फ़ोन नहीं उठा रहा जो डॉक्टर है डेढ़ घंटा दो घंटे फिर मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ फ़ोन नहीं उठा रहा मैंने कहा क्या करूँ फिर मैंने होटल के नंबर से फ़ोन मिलाया तो फिर भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया अब इस बात को चार घंटे गुजर गए मैंने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई और उस वक्त इतफाक़ की बात है ओ, होता है ना जेब में इतने पैसे नहीं थे मेरे पास तो मैंने सोचा मैंने कहा यार वहाँ से पेमेंट मिलनी है तो इतने सारे पैसे होंगे तो कोई बात नहीं बीस पच्चीस डॉलर तो जेब में तो होते ही थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा कि मैं क्या करूं तो जिसने शो में बुक किया था मुझे मैंने उनको फ़ोन किया डेलस के अंदर मैंने कहा यार ऐसी ऐसी बात होगी वो बंदे फ़ोन नहीं उठा रहे कह रहे हैं अच्छा अर्शद तो भाई आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें अल्लाह ताला बेहतर करेगा तो आप आराम से जाएं और आराम करें खाना वाना खाएँ आप मंगा लें होटल से जो भी है और सुबह जो है ना मेरे बड़े भाई आएंगे वो आपको पिक करेंगे ब्रेकफास्ट कराएंगे और आपको ट्रेन पर बिठाएंगे मैंने कहा मुझे ट्रेन पर जाना मुझे न्यूयॉर्क जाना था सही है तो मैंने उनसे कहा था मुझे ट्रेन पर सफ़र करना है तो उन्होंने कहा ठीक है उन्होंने मुझे सुबह पिक किया और मुझे ट्रेन पे उन्होंने टिकट विकट करा के और मेरे जेब में ज़ोरी जो है ना सौ डॉलर उन्होंने डाल दिया तो मैं उनसे कहा मैंने कहा नहीं मेरे पास है बीस पच्चीस बहुत है न्यूयॉर्क जाऊँगा घर पर पड़े मैं पैसे तो उन्होंने ज़ोरी मेरे जेब में पैसे डाल दिए वो दिन आज का दिन उन डॉक्टर्स को ना मैंने कभी फ़ोन किया ना मैंने उनको कभी कोई कांटेक्ट किया लेकिन मैं ये आपके आपका माशाल्लाह बड़ा हिट प्रोग्राम है इस प्रोग्राम से जो भी लोग देख रहे हैं Dallas के अपना वहां पे वाशिंगटन डीसी के अंदर आ, इस बात का हबीब भाई को पता है हबीब भाई वहां के लोकल प्रमोटर हैं और उस प्रोग्राम के अंदर हबीब भाई के बड़े भाई भी इन्वॉल्व थे अर्शद तकलीफ हुई है मुझे तो आप महसूस हो रही है मुझे तकलीफ हुई है बिल्कुल वो महसूस हुई है वो इस वजह से आप कह रहे हैं वरना आप नहीं कहते सही है ठीक है ठीक क्या? है ना उसके बाद में आपको तो कह रहे हैं वसीले बनते हैं वो मुझे थोड़ी देर के लिए घर ले गए उनके बड़े भाइयों से मिले जिन्होंने मदीने के अंदर आ, मतलब बड़ा वक्त गुजारा उन्होंने मुझे वहाँ की मदीने के जो नीचे की जो मट्टी है वो मुझे दी हक, हकीक दिए मुझे पहनने के लिए मेरी मिसिस के लिए बच्चों के लिए कह लेंगे अक्षत भाई फिक्र ना करिए दो की बात है सुनीगा दो की बात है अगस्त की मैं आ गया न्यूयॉर्क में मेरा शो नहीं था मैं जैसे न्यूयॉर्क पहुंचा हूं तो मुझे रात को फ़ोन आया वहां के मेले वालों का बहुत बड़ा मेला होता है मैनटन मेला उनका मुझे फ़ोन आया कह लेंगे अर्शद भाई फला फला डेट को आप क्या कर रहे हैं मैंने कहा मैं इस एक दिन बाद एक दिन पहले मुझे डेलस में शो है कह रहे हैं दूसरे दिन का शो आप हमारा भाई वाह वाह दोपहर का वाह और यकीन करेंगे जितने पैसे मेरे वहां नुकसान हुए ना उससे पाँच गुना ज़्यादा पैसे मुझे शो में थे बात पता है कि अर्शद भाई बात यह है कि पैसा जो है नसीब का है बस ठीक है वो पैसा आपके नसीब में था ही नहीं लेकिन जिसने जिसके वो नसीब में था उसने लिया है गलत तरीके से जी अल्लाह को जवाब दे है बिल्कुल अल्लाह पकड़ेगा क्योंकि एक हम जो जुमला बोलते हैं ना ये सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है अल्लाह की मर्जी से अल्लाह की मर्जी नहीं है अल्लाह की इजाजत है इसमें हाँ। फर्क है अल्लाह की मर्जी ये नहीं है कि अरशद महमूद के साथ फ्रॉड करो अल्लाह की मर्जी ये नहीं है रेप करते फिर वो बाहर चोरियां करते फिरो अल्लाह की इजाजत है कर लो ऊपर आओगे छोड़ूंगा नहीं ऐसा ही है बात ये बिल्कुल तो वो जो पैसा था ना वो मेरी वो आपके नसीब का था ही नहीं लेकिन वो जिसके नसीब का था उसने गलत लिया तो ये बात लेकिन है। लेकिन मैं 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 फिर फिर भी करता मैं हाँ। फिर भी दुआ दुआ करता करता कि जिसके पास वो पैसे गए हैं अल्लाह ताला उसको सेहत का मिला भाई ये बहुत बड़ी बात है ये बड़ेपन की निशानी है लेकिन खुतिन ये जितने लोग इस इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं प्रोमोटर्स हैं और इस तरीके के शो जो डेवलप करते हैं उनको चाहिए कि एक आर्टिस्ट उसका कुल सरमाया यही होता है वो अपना काम अपना वक्त इतनी डेडिकेशन से दे और उसके बाद उसकी उसका हक उसे ना मिले तो ये तो आज के दौर में मैंने एक बात की थी अर्शद भाई हक मांगा नहीं जाता छीना जाता है ऐसा ही है बिल्कुल आपने सही कहा बिल्कुल सही कहा जी वो गरीब दौर है ना अभी कुछ देर माँ भी माँ भी तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है रोता है अर्शद भाई जिंदगी का सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा था आपका या है या होगा या कर चुके हैं कोई ऐसा फंक्शन जो आपको लग रहा हो यार इससे बड़ा मैंने फंक्शन नहीं किया आज तक। यार अगर आप क्राउड के हिसाब से पूछते हो तो सबसे बड़ा प्रोग्राम जो मैंने किया है एक लाख से ज्यादा का क्राउड, ओ, एक लाख से ज्यादा का पे? पे। और वो जीरो पे। अच्छा अच्छा। लेगा आपकी आवाज समझ नहीं का बताए बताए जब प्रोग्राम चलेगा उस वक्त तो पता पता चल ही जाएगा। <laughs> नहीं नहीं यार क्या कहा? अच्छा तुम्हारी कैसी वो मुस्तफा जैसी नहीं नहीं हकीकत है इसमें मैं खुद इस चीज का चश्मोदीद गवाऊ कि क्राउड पुलिंग तो बहुत होती थी अच्छा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा क्राउड <laughs> सबसे <बहुं> ज्यादा क्राउड मैंने वहां देखा ग्राउंड में तो नहीं किया था जिना ग्राउंड में अच्छा उसके बाद जो वैसे जो प्रोग्राम होते हैं वो मैंने बैटरी पार्क का फंक्शन किया था बैटरी पार्क न्यूयॉर्क में सही है वहाँ पर भी तकरीबन कुछ सत्तर हज़ार से ज़्यादा लोग थे जो उनके जो उन्होंने बताया था कि इन आउट हुए हैं सत्तर हज़ार लोग इन आउट हुए दो डॉलर की वो एंट्री थी दो डॉलर की एंट्री थी पार्क की और अंदर की जो चीज़ें थी उनके पैसे अलग थे लेकिन एंट्री जो है उन्होंने बताया कि सत्तर लोग जो हैं इंटर हुए और आउट हुए वहां पे प्रोग्राम किया हसन जहांगीर भी था यह ना सोचेगा कि वहां कोई बंदा बिठाया होता है जहाँ शर्ट फेंकता है वो फिर बाद में आके उसको वापस दे देता ऐसा नहीं है पहली फिल्म आपने की आज का दौर आज का दौर जिसमें एज हीरो आए जी और आपने गाने भी गाए प्लेबैक और उसमें आपकी अगेंस्ट हीरोइन थी या आप अकेले हीरो थे बगैर हीरोइन के कभी प्लेयर बनाया <laughs> नहीं बना हो सकता देखिए बहुत सारी फिल्में हाथी मेरा साथी ही उसमें हाथी लीड और ये होता है कोई ऐसी कोई सब्जेक्ट तो नहीं था कि जिसमें हीरोइन की जरूरत थी और आप अकेले कुछ कर रहे हीरोइन थी अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता अकेले कुछ नहीं कर ठीक है तो हीरोइन कौन थी देखिए अल्लाह पाक ने हर चीज़ की जोड़ी बनाई है सही है जानवरों को भी जोड़ी बनाइए इंसानों की भी जोड़ी बनाई और एक मैं छोटी सी बात बता दूँ कि जी, जी. जो लोग जानवर पालने का शौक रखते हैं ना उनसे मेरी गुजारिश है हाँ. कि बुजुर्ग कहते हैं जी. कि जानवर जो है जब भी पालो जोड़ी पालो जोड़ी पालो जोड़ी पालो, जोड़ी पालो। अच्छा? वरना बदुआ लगती है एक नहीं पालो नो अगर आपने सोचा कि सिर्फ नर पाल लिया मादा नहीं पाली नहीं जो भी पालना है, जोड़ी पालो अच्छा। मेरी बात से इतफाक करेंगे हमारे जो बुजुर्ग जो बातें बता हैं की बात आप हमारे लिए बुजुर्ग है क्या आप आपका जो तजर्बा है ना मैं जोक सा पार्ट लेकिन आपका जो तजर्बा है वो आप अपना तजर्बा दे रहे

कैफ रिजवानी साहब की शायरी थी मैं लाहौर में जब सैयद नूर साहब मुझे यहाँ से लेके गए 87 की बात है तो उनकी फिल्म बन रही थी कसम <coughs> उसके मैंने गाने किए तो वहाँ पर असलम नाथा साहब भी आए उन्होंने मुझे देखा तो मुझे कहने लिया कि भाई आप हमारे कराची के हो तो कराची की फिल्म भी गाओ मैंने कहा जी ज़रूर गाएंगे उस फिल्म के हीरो जो है ना गुलाम गुलामीन साहब थे ओहू भाई रिप्लेस किया था आपने वो भाई थे भाई को रिप्लेस किया था नहीं मैंने नहीं रिप्लेस किया था आप आए ना मैं वही बता रहा हूँ कैसे आए गुलू भाई थे उसमें तो नाथा साहब ने उनको कहा कि गुलू भाई वो फ़ला डेढ़ को शूटिंग है और डेढ़ महीने की शूटिंग है सवा महीने डेढ़ महीने में फिल्म मुका दे नहीं सही है तो उन्होंने कहा कि मैं तो मैडम शमी मारा की फ़िल्म के लिए बाहर जा रहा हूँ सही है तो मैं तो यहाँ हूँ नहीं मैं तो आऊँगा डेढ़ महीने बाद तो कह लें नहीं 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 नहीं, नहीं डेढ़ महीना तो बहुत हो जाएगा तो कह लें कि फिर क्या करूँ अगर मैं दूसरे को ले लूँ तो माइंड तो नहीं करोगे कह लें नहीं नहीं असलम भाई को ऐसी बात नहीं आपकी दूसरी कर लूँगा फिल्म हो गया। इन्होंने मुझे इनके घर पे ना छबी बट बैठे वो भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर है लाहौर के बल्कि मैं गुल्लू भाई की एक बात बताऊं हम तक एक बात पहुंची है इतने डेडिकेटेड एक्टर थे एक सीन था जिसपे क्लोज था उनका चेहरा और लाल दिखाना था कि बहुत ज्यादा तकलीफ में उन्होंने दुपट्टा यू करके कसके बांध के अपनी सांस रोक के वो सीन रिकॉर्ड करवाया था अच्छा मैं पूछूंगा मैं क्या, पूछूंगा मुझे तो नहीं मालूम ये पूछेगा ये हम तक पहुंची थी बात हाँ। कि ये गुल्लू भाई तो इतने डेरिंग काम कर रहे हैं तो नहीं काम तो उसमें कोई शक है कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया उन्होंने कहा कि जी आप हमारी फिल्म के हीरो गाने मैंने सारे गा दिए थे मैंने कहा कि अब तो मैं नहीं गा सकता अपना फिल्म नहीं कर सकता क्योंकि मेरा एक टूर हुआ करता था हर साल में ना एक टूर अमेरिका कनाडा एक टूर यूरोप का एक इंग्लैंड स्कॉटलैंड का सही तो अब सारी प्लानिंग होती है पहले से तो मैंने कहा मेरी वजह से किसी की फिल्म रुक जाए बदुआएं देगा तो मैंने मना कर दिया तो मुझे कहने लगे नहीं ये तू फिल्म कर तुझे मजा आएगा और ये फिल्म कुछ फिल्में ऐसी तो डायरेक्टर साहब को कहा कि इनको स्क्रिप्ट सुनाओ मेरा सीन सुनाओ तो जब सीन सुनाया तो डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि अरशुद मिया कुछ फिल्में जो है ना हीरो की वो किचन चलाने के लिए होती हैं और कुछ फिल्में होती हैं लाइब्रेरी के लिए तो ये आपकी लाइब्रेरी की फिल्म होगी करना छोड़ना नहीं है मैंने कहा मंजूर भाई ठीक है मंजूर अहमद खान के डायरेक्टर पहली फिल्म में मुझे दो निगार अवार्ड मिले मैंने बीस से पच्चीस दिन में शूटिंग कम्प्लीट कराई और चार दिन के अंदर अपनी सारी डबिंग कम्प्लीट कराई माशाल्लाह तकरीबन को तेरह ग्यारह बात बताइएगा ये निगार अवार्ड अब क्या डिसकंटिन्यू होगा यार एक जमाना था जब फिल्में बहुत ज्यादा बना करती थी तो सबसे बड़ा अवार्ड फिल्म निगार हमें निगार अवार्ड था तो ये अब क्या नहीं अब मिलते हाँ मुझे तो याद ही नहीं फिर निगार एवॉर्ड अवार्ड जिनकी वैल्यू होती थी अच्छा उसके साथ कुछ, कुछ कैश कॉम्प्लीमेंट्री भी मिलता था नहीं मिलता था मिलता नहीं, नहीं था बड़ी बड़ी हिरोने जो है ना वो अवार्ड लेने के लिए लिफाफे देती थी ना अच्छा जी अब मैं अ, अपना असलम भाई मेरी बात का माइंड ना कीजिएगा क्योंकि मुझे लाहौर में किसी ने बताया था कि अवार्ड लेने के लिए जो है ना हाँ। किसी के जरिए से कुछ दिया करते थे कि भाई मुझे जो है वो आप अपने अखराजात निकाल लेना अवार्ड के और हाँ। जो आप करेंगे रहे हैं जाहिर खर्चा तो होता है ना अच्छा। तो ये अवार्ड इस साल का मुझे देना है खातिन जो होती जो हीरोइन होती थी वो इंतजार करती थी कि इस साल का अवार्ड निगार अवार्ड मुझे मिलेगा भाई तो दो निगार अवार्ड मुझे मिले पहली फिल्म पे बेस्ट एक्टर का बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अर्षद भाई सरायकी में कुछ क्योंकि मैं सरायकी हूँ आपको पता है

आई थिंक सिंधी माँ है सिंधी सिंधी पहली पहली जब सिंधी और पंजाबी जो है ना मिला के फिर बीच में से सराकी निकले। सराकी निकले। या सही है शायद <coughs> ये पंजाबी का गाना बड़ा खूबसूरत आप ये लेकर आया इंडिया से एक तू से सहारा तुम ही छड़ गए हो यारा केड़ी गलती सी मेरी वाह दस जद दिलदारा वो अस एना कि प्यार तथो भुलाया नहीं जाना ना के जावे दिलदारा दिल लाया नहीं जाना है भाई वाह ना छड़ के जमी दिलदारा दिल लाया नहीं जाना लाया नहीं जाना क्या बात है भाई अरशद महमूद साहब मैं समझता हूँ माज़ खवतिन हजरात ये लोग यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं आज के जो यंगस्टर्स हैं या जो लोग नए नए आ रहे हैं जो नए फील्ड में काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि इनको एक रोल मॉडल रख के काम किया जाए कितना कितनी अच्छी आवाज़ मतलब है, कितना दर्द के महसूस हो रहा है हमारे गले में जो दर्द है अगर वो हम रखेंगे तो इनके सर में महसूस होगा <laughs> लेकिन इनका दर्द हमारे दिल में जाके लग रहा है बहुत शुक्रिया आपने एक बात कही थी कि कहाँ ज्यादा मजा आया गाने का जी जी मुझे एक मैं ग्रीस में शो किया था सही है

जानता हूँ मैं बहुत अच्छा लड़का है अच्छा <laughs> यार देखो कौन ऐसा बद नसीब होगा जो माइकल जैक्सन को नहीं जानता क्या ना? बात है अच्छा फिर मुझे एक आ, शो था इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर के अंदर बहुत बेहतरीन शो था वो मुझे कभी नहीं भूलता कि जहाँ जहाँ पे मुझे लिख लिख के एक लड़की बैठी थी सामने उसने चंद अशार लिख के ना मुझे दिए कि मैं एक पंजाबी का एक गाना गा रहा था माइया गा रहा था तो उसने लिख के दिए फटाफट बैठी बैठी ना कि ये गा दें तो मैंने ऐसे करके देखा और ऐसे ही मैं देख के और वो उस धुन में लाके मैं ऐसे ही उसको सुना दिया नहीं वाह वो क्या था हो माहिया वे लम्मा गन्ना कमा दे दा वे लम्मा गन्ना कमा दे दा माहिया वे लम्मा गन्ना कमादे दावे लम्बा गन्ना कमादे दान confirm कीजिएगा ये लंबा गन्ना सानू तेरा इश्क लगावे जी में नशा शराबे दावे जी में नशा शराबे दा क्या बात वो लड़की ने जो शेर लिखे ये तो कोई गुरदास मान का भी कोई पंजाबी का तो ये ये हमारा ही गाना है पाकिस्तान का है ये गुरदास मान की कॉपी है नो 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 गुरदास मान ने नहीं गाया है ये शौकत अली साहब के बड़े भाई ने गाया उसका गाने का नाम है छल्ला छल्ला हाँ छल्ला वो छल्ला नो नो थे वे यस यस मिठड़े में वे रब सब दे वे गल सुन चलिया दो दाद दाद ऐसा कुछ शेर है मुझे आ, अच्छा। तो है। मुझे अभी इस टाइम याद वो अपना गाते वहां के हैं। वहां गाते हैं, हैं। है। पंजाबी की जुबान भी तो एक ही है यार उनकी जुबान पंजाबी की हमारी पंजाबी की जुबान एक ही है सब कुछ एक ही है सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज है वो जो हमारे जो सरबरा है ना उन लोगों ने चेंज करा दिया बाकी उनके दिलों में भी कुछ नहीं हमारे दिलों में आ, जी दिलों पड़ पंजाब तो अमेरिका में जो मिलते हैं लंदन में मिलते हैं आप इसी तरह यकीन करें इतनी इज्जत करते हैं सनराइज रेडियो पर जब मेरा गाना बजा था वो भी तो सिख का था ना सिख का है वो रेडियो सनराइज रेडियो उसके ऊपर जिसका गाना चल जाए ना तो समझो गया अच्छा कहा इंग्लैंड में सबसे इंग्लैंड का इंग्लैंड का वो फिर गया हाथों से इंग्लैंड का सबसे हिट चैनल जो है ना रेडियो वो है सनराइज रेडियो सही है और उसके ऊपर ही सबसे पहली दफा मैंने लाइव इंटरव्यू दिया था 97 में सही है मैंने और रेशमा जी ने कभी वक्त मिला तो कभी दोबारा आपसे मुलाकात होगी तो जरूर बताऊंगा क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला, मुकाबला सख्त है।, है मैं भी यही चाहता था मैं भी यही चाहता था कि कूसे में दरिया बंद करूँ क्या बात है भाई बहुत अच्छी बात है भाई अर्शद भाई मैं समझता हूँ कि आप की तारीफ करना एक सूरज को दिया दिखाने के मुतरद है आप अपनी फील्ड के जीनियस हैं और आप अपनी फील्ड के एक हैं, ठीक है बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया बहुत आपके बहुत आने का सर, हमारी पॉडकास्ट को चार चांद लगा दिए सिर्फ आपके पिए तीनों हजरात अरशद महमूद लेजेंड को और मुझे इस पॉडकास्ट से दीजिए इजाजत इस अपनेपन के साथ और इस यकीन के साथ कि अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा हो सची सची दस ने ढोला तो गला मिठीया, मिठीया ओ, है मिठिया मिठिया वे ढोला हो मैं सारा शहर वे मैं सारा शहर वे प्यारा है प्यारा तेरा यार है सुना है सुना तेरा यार है नादर भाई फेसबुक ते फोटो ते दे लखा लाइक करे दिल प्यारे प्यारे जुमले लिख दे वल शेर मरे दे आहा, आहा। अखा जाए सोनिया डिठिया वे डोला गला ए मिठिया मिठिया वे ढोला अल्लाह हाफिज़